हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। कि कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो फिक्स आते ही आते हैं, मतलब वो जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही 200%, ठीक है। तो मैं वो बताने वाला हूँ। तो आप इस पीडीएफ की चिंता मत करना, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और कमेंट सेक्शन दोनों में आपको मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से पीडीएफ फाइल्स में पड़ी होगी और वहाँ से ले लेना, ठीक है। फाइल्स के अंदर मैंने ऑलरेडी वैसे डाउनलोड करके रख, मतलब कि पोस्ट कर रखी है पहले से ही, तो आप वापस से देख लेना। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, वो आप देख लो और उसको अच्छे से कर लेना। मैं कह रहा हूँ जैसे 40 क्वेश्चन आएंगे, नंबर तो 20 के होंगे ना, तो आपके मैं बता रहा हूँ 21 से 25 क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर से ही हो जाएंगे, जो जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊँगा। बस आपको थोड़ा सा वहाँ क्वेश्चन को समझना होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, टेस्ट बुक पे फ्लैश सेल चल रही है 24 आवर्स के लिए ओनली, ठीक है। जिसके अंदर क्या है कि जो ईयरली पास है 499 वाला, वो आपको 375 रुपीज़ में मिलेगा, मतलब कि आपको 124 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। वो ऑफ मिलेगा कैसे, आपको मेरा ये कोड यूज़ करना पड़ेगा, जी के भी यूज़ करोगे तो आपको 375 में मिल जाएगा वो पास। तो जिस किसी को भी परचेज़ करना हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, परचेज़ कर लेना, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो पे ही वापस, जिसकी बात कर रहे थे पीडीएफ। तो इसके अंदर देखो सबसे मेन चीज़ जो 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 इम्पोर्टेंट है ना, मैं वो बता देता हूँ कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये तो करना ही करना है आपको, ठीक है। मैं पहले ऊपर से टॉपिक बताता रहता हूँ ताकि बस उस पर आप स्टार मार्क लगा लेना अभी से ही। आपके पास में यदि आपने पीडीएफ प्रिंट आउट करवा रखी है तो स्टार मार्क सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला, इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं इन 3 टॉपिक से ही। मैक्सिमम भी हो सकते हैं, मैक्सिमम मतलब 5 से 6 भी हो सकते हैं, 3 से 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आया हूँ तो इसका मतलब कुछ है। डीबीएमएस के अब 2 क्वेश्चन आते हैं, पहले 1 क्वेश्चन आया करता था, ठीक है। अब वो थोड़ा एआई तक का सोचने लग गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का, तो वो डीबीएमएस के थ्रू ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये कीज इन डीबीएमएस, ये तो स्टार लगा लो, बस इसका 1 क्वेश्चन फिक्स है, मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं ना तो 1 क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। और उसके बाद में अपन नीचे चलते हैं, मैं पहले वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ, ठीक है। एक आता है लेयर पे क्वेश्चन, ठीक है, ये लेयर वाला क्वेश्चन होगा, इसी टॉपिक के अंदर मिल जाएगा आपको, तो वो लेयर वाला क्वेश्चन आप ढूंढ लेना। अब ये कंप्यूटर हैकिंग वैकिंग से कुछ नहीं है, देखो ये है फुल फॉर्म्स है। फुल फॉर्म्स क्या था, पहले हर पेपर में 2 से 3 आया करती थी, आजकल नहीं आती है, बट अपन को फिर भी याद करनी है। यदि आ गया तो आपको 1 नंबर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके अंदर जितनी भी दे रखी है 65 पेजों के अंदर, वो सब आपको याद करनी है। और मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक अपनी तरफ से बता देता हूँ, यदि इसके अंदर नहीं भी होंगे लिखे, मतलब मेरे को नहीं पता लग रहे हो क्योंकि अंदर लिखे होंगे, तो देखो एक एक आता है ये सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक, इसके अंदर से भी 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। एक होगा स्टोरेज वाला, मेमोरी स्टोरेज का, उसके अंदर से भी 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। अब आप कहोगे तीन चार, तो भाई लास्ट में वो 21-22 पे ही रुक जाएंगे, तीन चार जो बता रहा हूँ ना, तो वो 21-22 पे ही रुकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं। आप वो टेंशन मत लेना कि ये तो हर किसी में तीन चार बता रहा है। देखो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, इसका क्वेश्चन कीबोर्ड और माउस के ऊपर ही डिपेंड रहता है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम कीबोर्ड और माउस से रिलेटेड ही चीज़ें पूछता है इसके अंदर, ठीक है। और ये मेमोरी वाला बता रहा था, ये रही मेमोरीज, ठीक है, स्टोरेज मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, ठीक है, तो वो सारी इसके, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी क्या होती है, सारी इसमें फ्लैश मेमोरीज क्या होती है, मेमोरी तो क्या होती है, तो वो सारी की सारी आपको देख लेना, ठीक है। अब कुछ मेमोरी बोलते तो मेमोरी बोल दो, मेमोरी बोल दो, कुछ भी बोल दो, आपको बस नंबर लाने से मतलब है, आप ये मत सोचो उसने क्या बोला है क्या नहीं बोला। तो ये जो चीज़ मैंने अभी भी बताई ना, इससे आपके ऑलमोस्ट 12 से 13 नंबर बन जाएंगे फ्री फोकट के, और आपकी कट ऑफ तो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। यदि आपको कंप्यूटर पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो आप यहाँ से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो इतने टॉपिक करने के बाद में। अब अपन पीडीएफ खोलते हैं, पीडीएफ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते जाते हैं और वो मैं बताता जाता हूँ, ठीक है।
ये आजकल नहीं पूछते हैं कोई भी, मैं सीधा बताता हूँ ये पेज पे, ये आजकल कोई नहीं पूछता है, ठीक है? पहले पूछा करते थे, यदि पूछेंगे तो फर्स्ट जनरेशन में ये एग्जाम्पल का ये चीज़ पूछेंगे, और ये सन वाला पहले पूछा करते थे, पहले का मतलब 2014 2015 में ये क्वेश्चन फिक्स हुआ करते थे इससे रिलेटेड, 2014 और 2015 में ये चीज़ पूछा करते थे कि ये कौन सी जनरेशन कौन से ईयर में आई थी। आजकल तो सीधा ये एग्जाम्पल पूछते हैं कि उस टाइम क्या आया था, क्या इन्वेंशन नया हुआ था। तो और बाकी अब नीचे देखते हैं, नीचे देखने के बाद में जनरेशन है, जनरेशन से कोई कुछ नहीं पूछते। ये कंप्यूटर का देखो मिनी मिनी फ्रेम कंप्यूटर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यदि इनमें से कुछ पूछेंगे तो मिनी फ्रेम का कंप्यूटर का पूछते हैं। और सुपर कंप्यूटर में आप इम्पोर्ट एक चीज़ और पढ़ना, करंट में सुपर कंप्यूटर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊँगा। यदि कोई मेरी वीडियो पूरी देख रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना यदि उसको पता हो तो। सुपर कंप्यूटर अभी बना है, फ्रंटियर कंप्यूटर को याद है, फ्रंटियर बनाया था उसको भी उसने पीछे छोड़ दिया है, तो आप वो जरूर कमेंट करना, ठीक है? यदि आप कमेंट करना चाहो तो, यदि आपको याद होगा तो आप करोगे। देखो ये चीज़ें भी अपनी पूछते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊँ। देखो यहाँ से ये चीज़ है, इस डायग्राम को पूरा समझ लेना, एक क्वेश्चन होता है इसका पूरा, ठीक है? रैम वगैरह ये मैंने बता दिया, ये आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है, मेमोरी का है, मेमोरी जो भी मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, इसमें ये सारा पढ़ना है, ये वाला आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ एक ये प्रिंटर का जरूर पढ़ना है यार, ये जो प्रिंटर में होते हैं ना कि भाई यार ये क्या चल गया, प्रिंटर का जरूर पढ़ना, ठीक है? प्रिंटर वाले के अंदर से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, ठीक है? इनमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, मतलब तीनों का एक एक क्वेश्चन, तो ये आप पढ़ना ही पढ़ना। ये डायग्राम ऐसे ही बना रखा है, इसकी कोई नीड नहीं है, यहाँ से भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये पढ़ लेना यार, ये चीज़ कि बूटिंग क्या होती है, वार्म बूटिंग क्या होती है, बूटिंग क्या होती है, ठीक है? ये चीज़ पढ़ लेना कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है, लाइक ऐसा करके कुछ होता है। देखो ये लिखा, व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड, तो ये वाला पूरा ये सारा का सारा पढ़ लेना। इसमें ये ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, ये बूटिंग कोल्ड बूटिंग होती है, वार्म बूटिंग होती है, तो फिर ऑप्शन में ही वो आंसर दे देगा आपको कि ये बूटिंग ऐसी होती है, ऐसे ऐसे होता है, ये कौन सी बूटिंग है, ठीक है? तो आप समझने आपको बस ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पूरा पढ़ना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह सारा पढ़ना है इसके अंदर, ये सारी ये चीज़ें पढ़नी है जो भी दे रखी है। ये तो उनके वो है, क्या कहते हैं, रचयिता जिसे कहते हैं, इन्वेंटर क्या है, किसने किसने किसका किया, ये तो पूछते ही नहीं आजकल, ठीक है? ये देखो हाँ ये आ गया, इस पे तो इतना बड़ा स्टार मार्क कर लेना, ऐसे करके बड़ा सारा स्टार मार्क कर लेना। एक क्वेश्चन फिक्स है, और सबसे ज़्यादा पूछते हैं निब्बल, निब्बल में होता है 4 बिट्स, 4 बिट्स का एक निब्बल होता है, ठीक है? तो वो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते हैं, वो ऐसे पूछते हैं 2 निब्बल की वैल्यू बताओ। और भाई साहब यदि एक निब्बल को पता होगा 4 बिट होता है तभी 8 बिट बता सकते हो, नहीं तो तुम आंसर नहीं बताओगे। वो लोग पता है क्या है, 2 निब्बल में ऑप्शन में 4 भी देंगे, क्योंकि सबको पता है कि निब्बल की वैल्यू 4 होती है, तो वो ये नहीं देखते 2 निब्बल पूछ रहे, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने वो पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया आपको। आजकल मलाई वाले क्वेश्चन नहीं आते, सीधा सीधा लिखा होगा कि बिट क्या होता है। ये देखो ये मैंने उस दिन भी इम्पोर्टेंट बताया था, इसको आप रट्टा मार लेना, ठीक है? ये अभी मैं राजस्थान का एग्ज़ाम भी दे के आया था, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो लास्ट में उसमें आया था ये टा बाइट वाला, तो सबको लगा कि हाँ योटा बाइट, ये देखो इसका मैं बताता हूँ हुआ क्या था एक्चुअल। सबको लगा जेड बाद में आता है ना, तो जेड जेटा बाइट लगा के आए थे, मतलब जितने भी मेरे को कोई मिले थे रिलेटिव वगैरह में, तो वो जेटा बाइट उन्होंने कहा कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, तो जेटा बाइट लगा के आए। तो ये सीक्वेंस देख लेना, आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन गलत कर दोगे। और सबसे अच्छी चीज़ क्या याद करनी है आपको, सीधा ये याद करना है कि 10 की पावर 6 होता है, 10 की पावर 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है, 18 होता है, 21, 24, ठीक है? तो इसको आप आराम से देखो, मैं बता रहा हूँ GB तक तो सबको याद है, आगे देखो जो याद कर सकता है, जैसे किसी को टीबी हुई तो मैं मेरी ट्रिक बता देता हूँ, टीबी हुई तो पंजाब चला गया, बीबी बोलते हैं ना पंजाब,
पंजाब चला गया तो वहाँ से क्या हुआ कि इलाज भी नहीं हो पाया, तो ईबी आ गया, ठीक है, इलाज नहीं हुआ तो उसको कह दिया कि भाई तू जेड सिक्योरिटी ले ले, फिर वो जेड सिक्योरिटी लेने के लिए चला गया, फिर लास्ट में तो पता ही है भाई आ जाएगा। तो मैंने अपने तरीके से याद कर रखा है, कोई ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक है इससे याद करो, तो बस मैंने अपने तरीके से याद कर रखा है। अब आगे, हाँ ये चीज़, ये देखो ये चीज़ आपको ऑक्टल बाइनरी डेसिमल, हाँ इसमें चारों चीज़ें हैं, हेक्साडेसिमल, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आजकल बाइनरी के ऊपर फिक्स क्वेश्चन बनता है। हाँ मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, कहाँ पे आया था याद कर लो, देख ECGC में आया था, एंड गेट नैंड गेट के ऊपर आया था, एंड गेट नैंड गेट, नैंड गेट भी आएगा इसमें, नोट आ गया, नैंड आ गया, ये रहा। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, इस चीज़ को। ये DBMS आ गया, DBMS को आपको बता दिया, इसके दो क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, सारा पैराग्राफ वगैरह सारा पढ़ना ही है इसके अंदर, एक एक चीज़ देर के। DBMS की एक BTEC में पूरी बुक हुआ करती, तो यहाँ तो सिर्फ ये देखो आजकल जो ये चीज़ है ना, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, लोग इसको अपने नोट्स बना बना के शेयर कर देते हैं, ये नोट्स नहीं है, ये चीज़ तो वो पूछते ही नहीं है, यहाँ काट दो। वो पूछते पता क्या, ये F7 स्पेलिंग चेकिंग के लिए होता है, F12 सेव एज के लिए होता है, मैं बिना देखे बोल दूंगा ये सब चीज़ें, ये चीज़ें पूछते हैं इस साइड की चीज़ें, ठीक है, और वो प्रैक्टिकल वे में पूछते हैं कि यदि एक कोई ऐसे लेटर दिया हुआ है उसके केसेस को चेंज करना है तो कौन सी शिफ्ट, मतलब कौन सी कीज़ का यूज़ किया जाता है, वो ऐसे नहीं पूछते शिफ्ट प्लस F3 बता दो, वो आपको ये चीज़ दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यदि आपने MS Word में करते वक्त इम्प्लीमेंट की है तो आपको याद रह जाएगी कि यार ऐसा कुछ होता है। यदि आपने प्रैक्टिकल नॉलेज, तभी तो मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी, यदि आपने प्रैक्टिकल वे में नहीं सोचा तो फिर आप कितना भी सोच लो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हक बनता है सोचने का, फिर नहीं होगा। मैं पहले ही बताता हूँ F4 के लिए मैं हमेशा यदि अपना PC ऑफ करता हूँ तो कंट्रोल प्लस F4 से ही करता हूँ, क्योंकि मेरे को याद रह जाता है। अब जैसे ओपन है, ओपन के लिए अपन क्या करते हैं, सीधा ही और राइट लेफ्ट साइड में जाते हैं ऊपर से, फिर वो अपन फाइल का ऑप्शन खोलते हैं उसमें ओपन आता है। मैं क्या करता हूँ ओपन के लिए कंट्रोल प्लस F12 दबाता हूँ, वो खुलता है, विंडो खुलता है ओपन वाला, देखो क्लोज चूज द ओपन बटन ये आ गया ना, तो वो खुलता है। इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप यदि जितना आप यूज़ करोगे आप डेली बेसिस पे, तो आपको वहाँ याद करने की नीड ही नहीं है इन चीज़ को, ठीक है। रट्टा कहाँ तक मारोगे, ये सारी चीज़ों को रट्टा मारते हो गए। देखो F4, देखो दो चीज़ें आ गई, F4 के अंदर एक ऑल्ट प्लस F4 है, एक कंट्रोल प्लस F4 है, ठीक है, विंडो क्लोज करने के लिए और एग्जिट जाने के लिए, दोनों में डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे। ये सब चीज़ें तो देखो ये तो आते नहीं आजकल, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है उनको, क्योंकि उनको पता है ये रट के आएंगे, ये पूछते हैं, और ये पूछते कैसे, यहां से आंसर दे देंगे और यहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे। और अब इसके बाद में अपन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ऑलमोस्ट मैंने इम्पोर्टेंट बता दिए हैं, देखते हैं फिर भी इम्पोर्टेंट क्या है। ये देखो ये आगे की चीज़, ये आपको याद करनी है अच्छे से, इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये देखो आगे सारी की बहुत सारी कीज़ आएंगी, देखो ये वाला आपका एक क्वेश्चन पक्का बना देगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको, ऐसे लिख लो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी ECGC PO RBI असिस्टेंट और राजस्थान का अभी पेपर हुआ था कंप्यूटर अनुदेशक, उसके अंदर भी दो क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला सारा एरिया आप इसको अच्छे से कर लेना। अब अपन आगे चलते हैं, इसमें क्या है सेंडर डिकोडर इन सब चीज़ों का, लैंडमैन, हाँ ये चीज़, इस पर आप स्टार मार्क लगा लो, इनके बारे में जितना अच्छे से पढ़ सकते हो कि लैंड का यूज़ कहाँ होता है, मैन का, वैन का, सिर्फ ये आप ये ना ये चीज़ तक ध्यान रखना, लैंड कैन बी यूज फॉर द ऑफिस बिल्डिंग होम हॉस्पिटल स्कूल, ठीक है। ये वो ऐसे पूछता है कि मतलब स्कूल के लिए किसका यूज़ किया जाता है। अब आपने तो लैंड रटा हुआ है कि इतना इतना एरिया होता है वो लैंड में आता है, बट वो जो पूछते हैं ना, अब जैसे स्कूल में देखो होम भी आ गया, ठीक है, हॉस्पिटल भी आ गया, ऑफिस बिल्डिंग भी आ गई, कोई इंस्टीट्यूट आ गया, तो ये सब चीज़ें आती रहती है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है इसके अंदर, और क्या है, लैन आ गया, वाइड आ गया, ये सब चीज़ें पढ़ना है, प्रोटोकॉल टोकन रेंज की एक आएगी, रिंग टोपोलॉजी लाइक ऐसे करके, हाँ आ गया ये बस टोपोलॉजी, तो ये आप पढ़ लेना,
ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कभी कभी क्वेश्चन बनता है, इतना हर बार नहीं बना मैंने देखा, बट हाँ कभी कभी जरूर देखा हुआ मैंने। ये यहाँ पे कुछ है नहीं, स्काई कोड, स्काई कोड का हाँ इसका देखो मान याद रखना, स्काई और बी ई बी सी डी का इसका मान अब आप देख लेना कहाँ पे क्या मिलेगा ये। अरे यार ये क्या खुल गया, तो ये स्काई कोड का ये कितने लेटर का होता है, सात का होता है, आठ का, कितने बिट का, ये सारा चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, ठीक है। ये इन्होंने बता भी रखी होगी, ये लेयर्स मैंने बता दिया, ट्रांसमिशन लेयर्स वगैरह ये सब, हाफ डुप्लेक्स डुप्लेक्स, ये इस बार पता है क्या हुआ, ये आया था ईसीजी सीपीयू में, मेरे क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, हाफ डुप्लेक्स था कि फुल डुप्लेक्स था, ठीक है। अभी तो मार्क्स आए नहीं है तो उसमें कंप्यूटर के मार्क्स दिखाऊंगा, यदि ये मेरा क्वेश्चन सही होता है तो मेरे 20 out of 20 आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में मेरा थोड़ा डाउट है मेरे को, ये यहाँ पे वेब ब्राउज़र ये कुछ नहीं है, हाँ ये चीज़ आप पढ़ लेना, ये चीज़ का आरआरबी क्लर्क में, पीओ में नहीं बोल रहा, आरआरबी क्लर्क में मैं इसकी श्योरिटी दे सकता हूँ 70% की कि ये चीज़ पूछते ही हैं। ये पूछते कैसे हैं, जैसे आप देखो ये पूछेंगे या ये पूछेंगे, अब ये तो पता ही है, ये पता ही है, अब ऑर्गेनाइजेशन पता ही है, नेटवर्क पता ही है, कमर्शियल पता है, ठीक है। तो वो चीज़ों को ऐसा पूछते हैं जो आपको नहीं पता होता, जो पता है दुनिया को उसका तो क्या पूछेंगे। उसके बाद में ये देखो ये सारी फुल फॉर्म्स आ गई हैं और अपना पूरा पीडीएफ हो गया, मैंने पीडीएफ के अंदर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दी है, आप लोग ये पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ये एक चीज़ और बता देता हूँ यार, चलो अब यहाँ तक आ गए हैं तो इसमें एक चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐड कर देते हैं अपन, ये ज़रूर पढ़ लेना TCP और IP, ठीक है, HTTP HTML, इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेना, ठीक है। इसी में से यदि कुछ और होगा तो मैं आपको बताता जाता हूँ। लैन वैन 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 में पढ़ लेना, वायरस पढ़ना है, वायरस का इसके अंदर देखो पूरा अच्छे से पढ़ना है ना, वायरस का 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, हर जगह ही आता है, अभी ECGC में भी आया था, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर आपको पढ़ने में। और बाकी यहाँ देखते हैं कोई और इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता देता हूँ। और एक चीज़ और आ रहा, आ जाएगा, रुको रुको रुको, यहीं आ जाएगा, एम से देखते हैं, एम से MICR, हाँ ये रहा, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रहा हूँ। एक ऑप्टिकल ऑप्टिकल करेक्टर कहाँ है, ये रहा OCR, ये भी पढ़ लेना। और ये बाकी फुल फॉर्म्स आप याद करोगे तो आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में आइडिया हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क ट्रांसलेशन का नहीं पता, आपको जस्ट गूगल पे सर्च करना है और उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इसके आगे इसी PDF के आगे लिख लिया करो कि ये चीज़ ये काम आती है, ताकि आप फुल फॉर्म भी भूल जाओ ना तो आपको यार याद आएगा कि यार मैंने इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा था, तो ये ट्रांसलेशन के काम आता है, एड्रेस का ट्रांसलेशन होता है ना उसके काम आता है, तो आपको ऑटोमेटिकली फुल फॉर्म्स याद हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि आपका फिर भी और कोई डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी।